मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आगमन हुआ। दमोह आगमन के दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी का नामांकन दाखिल कराया। मुख्यमंत्री के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे। मीडिया से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दमोह की जनता ने विकास को हमेशा चाहा है। जहां पहले जयंत मलैया ने दमोह का विकास किया है, वही आगे भी दमोह के लोगों को विकास की चाह है। इसलिए राहुल सिंह लोधी ने कांग्रेस छोड़कर के भाजपा का दामन थामा था और अब वे चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी दमोह में भारी मतों से विजयी हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा हमेशा से विकास कराया गया है और यह विकास आगे भी जारी रहेगा। नामांकन दाखिल कराने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीधे पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के घर उनसे बातचीत करने के लिए पहुंचे। मालूम हो कि पार्टी से विरोध करके सिद्धार्थ मलैया के द्वारा चुनाव लड़ने का मन बनाया गया था, लेकिन पार्टी के मनाने के बाद उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। वहीं मुख्यमंत्री जयंत मलैया को पाटे की आम सभा में ले जाने के लिए पहुंचे। विकास और जन कल्याण के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के सवा साल के शासन काल में विकास ठप हो गया था, जन कल्याण बाधित हो गया था। केवल विकास नहीं रोका गया, जनता के कल्याण की एक एक योजना बंद कर दी गई। चाहे संबल हो, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन हो, लाड़ी लक्ष्मी हो, किसानों के खाते में पैसा डालना हो, जनता ठगी गई। और जब यहाँ विकास बाधित हुआ तो राहुल ने फैसला किया कि हम ऐसी विधायकी का क्या करेंगे जिसमें दमोह का विकास ही नहीं हो सकता। दमोह के मेडिकल कॉलेज के निर्माण में सबसे बड़ी बाधा थी कांग्रेस और कमलनाथ। और जब चर्चा हुई तो राहुल ने एक ही इच्छा प्रकट की कि मैं तो सब छोड़ दूंगा, मुझे दमोह का विकास चाहिए, मेडिकल कॉलेज चाहिए और भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए समर्पित है। राहुल छोड़ के आए बिना किसी शर्त के, कैरियर दांव पे लगाया दमोह के विकास के लिए। हमने तो जब पहले भी सरकार थी तो जयंत मलैया जी के नेतृत्व में दमोह का विकास हुआ। जयंत जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी और अब फिर जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का शासन आया, हमने फिर दमोह के विकास की यात्रा फिर प्रारंभ कर दी। विकास के मुद्दे पर ही हम चुनाव लड़ेंगे और भारी बहुमत से, शानदार वोटों से। लेकिन सर, टिकाऊ और टिकाऊ का मुद्दा बहुत हावी हो रहा है यहाँ पे। आपके आपके प्रत्याशी को बार बार टिकाऊ कहा जा रहा है। ये पहले भी वो चिल्ला चुके और कुछ नहीं मिलता तो टिकाऊ, और ऐसे आरोप के जिससे तो खुद कांग्रेस गिरी रही। बिकाऊ थी कांग्रेस की सरकार, बेच दिया था स्थानांतरण से लेकर सब चीजों में, बिना पैसे के कोई काम नहीं होता था। जिन लोगों ने दलाली का अड्डा बना दिया मध्य प्रदेश के बल्लभ भवन को, सेक्रेटरिएट को, उनके मुंह से ये शब्द शोभा नहीं देते। पहले भी उपचुनाव में जनता सबक सिखा चुकी है और जिनने प्रदेश के विकास को ही बेच दिया उनको सबक सिखाएगी भारतीय जनता पार्टी को, राहुल को जिताएगी। हम सब साथ हैं भारतीय जनता पार्टी का। जो पश्चिम बंगाल से लेकर के केरल तक लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी आशाएं और आकांक्षाओं के प्रति लोग भाजपा में आना चाहते हैं, क्योंकि देश के विकास मोदी जी के साथ खड़ा है, मध्य प्रदेश के अंदर माननीय शिवराज सिंह चौहान के साथ खड़ा है। तो ऐसे में लोगों को लगता है, कि हम ऐसे दल के साथ जो देश के लिए काम करना चाहता है, विकास के मुद्दे पर काम करना चाहता है, केवल लूट खसोट यहाँ नहीं है, कोई परिवार का संगठन नहीं है ये। भारतीय जनता पार्टी दुनिया का इतना बड़ा परिवार है और यहाँ पर लोग देश और समाज के लिए काम करने की भूमिका में हैं। इसलिए जो लोग आना चाहते हैं उनका भाजपा ने स्वागत किया है और भारतीय जनता पार्टी, हम अपने मुद्दों पर जिसका हमारे नेतृत्व पर, हमारी नीतियों पर विश्वास है, वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आए हैं और भारतीय जनता पार्टी में उनको लगता है कि हम जय श्री राम का नारा खुल करके लगा सकते हैं। पुराने नेता क्या, उनको लगता है हम देश के लिए कुछ काम कर सकते हैं। पुराने नेता क्या करेंगे? पुराने नेताओं के नेतृत्व में ही चुनाव है। जयंत मलैया जी से लेकर भारतीय जनता पार्टी जिस नींव पर खड़ी है, उन्हीं के आधार पर, उन्हीं मुद्दों पर। हम कभी मुद्दों से
सिद्धांत से समझौता नहीं करते। खुशखबरी खुशखबरी, अब आपके शहर दमोह में आर्थोपेडिक सर्जन, हड्डी जोड़ एवं स्पाइन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र चौरसिया, MBBS DNB असिस्टेंट प्रोफेसर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर मध्य प्रदेश। उपचार सुविधाएं, सभी प्रकार के ऑपरेशन, हड्डी एवं जोड़ के फ्रैक्चर आधुनिक पद्धति से उपचार, गठियावाद, अर्थराइटिस, साइटिका एवं रीढ़ की हड्डी का उपचार, घुटना, कमर दर्द, हाथ पैर जकड़न एवं जन्मजात पैरों के टेढ़ेपन के उपचार के लिए हर रविवार को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। जानकी मेडिकल यूनियन बैंक के बाजू में राय चौराहा दमोह में उपलब्ध रहेंगे। खुशखबरी खुशखबरी, अब आपके शहर दमोह में पंचकर्म एवं बवासीर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजकुमार पटेल, MD आयुष, जिला चिकित्सालय दमोह। उपचार सुविधाएं, भगंदर, फिशर, त्वचा रोग, चर्म रोग, जोड़ों का दर्द, मोटापा, थायराइड, बात रोग, गुप्त रोग एवं बवासीर का आयुर्वेद पद्धति से इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। श्रद्धा मेडिकल, मानस भवन, सरकारी अस्पताल के पास, दमोह, मध्य प्रदेश।